अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पल्सबेरी का केक, जो कि रेडीमेड केक पिक से मैं बनाऊंगी और मैं आपको इसका अपना रिव्यू दूंगी इसके बारे में कि ये किस तरह का इसका रिज़ल्ट आता है। ये पल्सबेरी का ये जो केक है, ये वैसे तो मुख्तलिफ ब्रांड्स में मौजूद होता है, ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास वनीला का है। इसके लिए इस बॉक्स के अलावा मुझे चाहिए होंगे 2x ऑयल चाहिए होगा और थोड़ा सा वाटर चाहिए होगा, जिसकी क्वांटिटी इसके ऊपर मेंशन की हुई है। इन्हीं चीज़ों से हम ये केक बनाएंगे। ये बहुत इजी रहता है बिगनर्स के लिए। अगर आपने फ़ौरन केक बनाना है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2x लिए हैं, जिनको मैं एक बोल के अंदर डालूंगी और इसमें शुगर ऑलरेडी एडिड होती है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1/3 कप, जो कि इसके ऊपर ही लिखा था, और 270 ml इसके अंदर डाला है वाटर। इसको आप मिल्क से भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल वे यही है कि आप इसको वाटर से बना लें। ये क्योंकि मेरे पास था वनीला का, लेकिन मुझे चॉकलेट में बनाना था तो मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाल देना है 2 tablespoons। अगर आप वनीला में चाहते हैं तो आप वनीला में बना लें, लेकिन मुझे चाहिए था चॉकलेट में और मेरे पास से वनीला वाला बॉक्स ही था, तो मैंने इसको चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर 2 tablespoons कोको पाउडर डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम इसकी हम स्पीड रखेंगे अपने बीटर की और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बनाने से मिक्स करने से पहले ही ओवन को मैंने प्रीहीटिंग के लिए ऑन किया हुआ था 180 degrees centigrade पर। अब ये हमारा रेडी हो गया बैटर। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और अपने ग्रीस मोल्ड में मैं इसको डाल दूंगी। इसको मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है सारी साइड से। ये बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आपके पास सारे इन्ग्रीडियंट्स केक के नहीं है तो ये सिंपल क्विक रेसिपी है। अब मैं इसको बेक कर लूँगी 180 degrees centigrade पर 30 minutes के लिए। अब 30 minutes के बाद केक हमारा हो गया है रेडी। बहुत ही सॉफ्ट केक होता है ये, इसलिए आपको कटिंग करना, इसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है अगर आपने इसकी आइसिंग करनी है क्रीम के साथ। मैं इसकी आइसिंग करूंगी व्हिपिंग क्रीम के साथ और चॉकलेट की थोड़ी सी डेकोरेशन मैं इसके ऊपर करूंगी। जी बहुत ही सॉफ्ट सा केक रेडी हुआ। अब मैं इसको कट करूँगी, इसकी मैं 2 halves कर लूँगी। यहाँ से लेयर्स बनाएंगे हम। मैंने आपको बताया था बहुत सॉफ्ट केक होगा ये, तो बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ता है। आप इसको क्रीम के बगैर आप इसी तरह सिंपल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। कि अब मैं इसको, मैंने क्रीम अपनी व्हिप की हुई है। क्रीम व्हिप करने का तरीका मैं अपने पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ और मैं यहाँ पर उसका लिंक भी दे दूँगी अपने डिफरेंट केक्स का, तो आप मेरी केक वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर मैंने रखनी है अपनी पहली लेयर और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिल्क है, ये मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी जूस या शुगर सिरप यूज़ कर सकते हैं। इस लेयर को मैं सोक करूँगी इसके साथ और उसके ऊपर फिर मैं व्हिप क्रीम यहाँ पे लगाने लगी हूँ। एक रफ सी लेयर हम दे देंगे व्हिपिंग क्रीम की इसके अंदर। आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर कोई फ्रूट वगैरह भी लग सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़े से चॉकलेट चिप्स यूज़ करूँगी। यहाँ पे फर्स्ट लेयरिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम की लेयरिंग के ऊपर थोड़े से डाल दूँगी चॉकलेट चिप्स। अगर आपको पसंद है तो आप इधर यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं रखूँगी अब इसकी सेकेंड लेयर। पूरे केक को हम कवर कर देंगे यही व्हिपिंग क्रीम के साथ। और इसके लिए ऊपर इसके जो टॉप के लिए मैंने बना कर रखी हुई थी अपनी एक चॉकलेट की गार्निश, जो कि मैंने बबल रैपिंग से बनाई थी, मैं उसके ऊपर वो रख दूँगी और थोड़े से फ्लावर मैं बना दूँगी व्हिपिंग क्रीम के साथ कलर्ड।
देखिए इस तरह से मेरी फाइनल केक की ड्रेसिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप दे दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।